हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल सनवीज कंस्ट्रक्शंस में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख ही रहे हो दोस्तों, ये है ग्रेनाइट फ्लैक्स टेक्सचर। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर, प्रीमियम टेक्सचर होता है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो फुल डिटेल वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस टेक्सचर को वॉल पे कैसे करना है और इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्टोन फ्लैक्स रस्टिक का बैग, ये 25 किलो की पैकिंग में आता है दोस्तों। दोस्तों एक्चुअली जो हमारा ये टेक्सचर होता है, स्टोन होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे जिनकी मोटाई 1.5 से 2 mm के बीच होती है, और साथ में इसमें फ्लैक्स होते हैं जैसे छल्ले बोल लो छोटे छोटे, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं दोस्तों, ताकि उन पर लाइट पड़े तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखें और दीवार की लुक अच्छी दिखे। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको दीवार पे जहाँ भी आपको ये करना है इंडोर आउटडोर, सबसे पहले आपको बेस बना लेना है। बेस बनाने के लिए आपको सिंगल कोट तो पुट्टी का लगा लेना है और उसके बाद आपको सिंगल कोट पेंट का भी कर लेना है, और पेंट आपको जो करना है वो जो आपका टेक्सचर का कलर है उससे मिलता जुलता करना है। बैग को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको इसकी सफाई और छटाई कर लेनी है। सफाई इसलिए ताकि इसमें कोई कूड़ा करकट वगैरह आप उसको छांट के अलग से निकाल दें, और छटाई इसलिए जो इसमें आपके जो स्टोन है कोई बड़ा स्टोन है उसको अगर जो वो टूटता है तो उसको तोड़ के छोटा कर ले, नहीं टूटता है तो उसको उसमें से निकाल दें, उसकी चटनी कर लें। और उसके बाद आपको इसको कर लेना है मिक्सिंग। दोस्तों जिसका रेसोर आता है वो हमारा जो 25 किलो का बैग आता है उसमें आपका 5 लीटर मिलता है बॉन्डिंग और 5 लीटर ही उसमें मिलता है पानी। जो आपका बॉन्डिंग है वो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके 25 किलो के बैग के साथ ही मिलता है। बॉन्डिंग एक्चुअल में होता है क्या है, ये एक तरह का फेविकोल होता है, फेविकोल से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ये दीवार पे इसको चिपकाए रखता है क्योंकि इसमें ना सीमेंट यूज़ करना है ना इसमें एडहेसिव यूज़ होता है, तो इसके साथ आपको बॉन्डिंग मिलेगा आपको वही इसमें यूज़ करना है। ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, यही इसको मजबूती देता है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से मिला के जो मैंने आपको रेशो बताया 25 आपका स्टोन टेक्सचर, 5 आपका पानी और 5 ही बॉन्डिंग, इनको आपको अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों इसको दीवार पे करने के लिए आपको ज़्यादा टूल की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको चाहिए एक गुरुमाला और एक पत्ती। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जब आपका माल तैयार हो जाए तो धीरे धीरे आपको इसको दीवार पे चढ़ा लेना है। और दोस्तों जो इसमें मेन बात रहती है वो इसकी थिकनेस की, आपको इसकी मोटाई कितनी रखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो स्टोन होते हैं 1.5 से 2 mm के बीच होते हैं, तो एक स्टोन दूसरे स्टोन के ऊपर भी आ जाए तो उसकी मोटाई लगभग बैठेगी 4 से 5 mm। तीसरा स्टोन नहीं जाना चाहिए, वो ज़्यादा मोटाई हो जाएगी, तो आपको इसकी जो मोटाई रखनी है वो 4 से 4.5 या 5 mm तक इसकी मोटाई रखनी है, इससे ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं रखनी है। और दोस्तों इसमें एक बात और है ध्यान देने वाली, जब भी आप इसको करोगे तो ये एक बार आपका बहेगा ज़रूर। वैसे तो जो मैंने आपको रेसो बताया कंपनी का रेसो है 25-5-5, यानी कि 25 आपका स्टोन फ्लैक्स, 5 वाटर और 5 ही आपका बॉन्डिंग, कंपनी के द्वारा डिसाइड की हुई रेसो है, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप जब भी इसको करोगे तो ये आप एक बार करने के बाद ये बहेगा जमीन के नीचे की तरफ आएगा, तो आपको इसको 3 से 4 बार गुरुमाले से सेट करना है, बहेगा फिर सेट करना है, फिर बहेगा फिर सेट कर लेना, 3 से 4 बारी में आपका सेट हो जाएगा। बाई चांस अगर जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा बह रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और इसमें स्टोन फ्लैक्स मिला के इसको थोड़ा सा हार्ड कर ले, ये ध्यान रखे कि इसको ज़्यादा हार्ड ना करें। अगर जो आप इसको ज़्यादा हार्ड कर लेंगे तो ये दीवार पे चढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों अब रही बात इसको आप कहाँ पे करें, ये आप इंडोर में भी कर सकते हो आउटडोर में भी कर सकते हो, ये एक बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है, इसको आउटडोर में आप फ्रंट एलिवेशन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि मेरी आप पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी रस्टिक टेक्सचर कैसे करें, मुझे कई लोगों के कमेंट आए कि ये सीलन में काम करता है, सीलन में रुकेगा, सीलन में ये सीलन में वो। तो दोस्तों अगर जो आपके दीवार में सीलन जमीन से आ रही है तो आपका कोई भी टेक्सचर नहीं रुकेगा, लेकिन ये आएगी जो पेंट पुट्टी से टेक्सचर की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, जो पेंट पुट्टी आपकी 6 महीने 8 महीने में उतरेगी तो ये आपका साल सवा साल में जाकर उतरेगा, लेकिन उतरेगा जरूर, ठीक है। तो आप इसको वहीं पर करें जहाँ आपकी सीलन नहीं है, थोड़ा सा मजबूत जरूर होता है, हाँ ये वाटर प्रूफ होता है ज़रूर। अगर जो आपकी ज़मीन से सीलन नहीं आ रही है और आप दीवार पे जैसे आउटडोर में करवाते हो फ्रंट एलिवेशन में बारिश आ रही है तो इसमें से आपका पानी आर पार नहीं जाएगा, दीवार में सीलन नहीं जाएगी, आप इसको बिल्कुल आराम से करवा सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ ज़मीन से सीलन आती है वहाँ पर इसका ध्यान रखना है, इसको कराने से पहले वाटर प्रूफिंग करवा ले, पैसा सेफ रहेगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं सबसे ज़रूरी बात प्राइसिंग।
दोस्तों ये हमारा जो स्टोन फ्लेक्स का बैग आता है 25 किलो के पैकिंग में आता है और 25 किलो का बैग हमें पड़ता है 3500 से 4000 रुपए के बीच में। हाँ ये थोड़ा प्रीमियम ज़रूर है, आप लुक भी देख सकते हो प्रीमियम है, थोड़ा महंगा भी है। और अगर जो आप खुद परचेज करके किसी से करवाते हो वर्क ये, तो आपको जो काम करने वाला इसको आपसे ले लेगा लगभग 20 से 30 रुपये स्क्वेयर फिट ओनली लेबर। अगर आप सारा काम उसी से करवाते हो विद मटेरियल तो आपको ये पड़ेगा 100 रुपये से लेके 120 रुपये पर स्क्वेयर फिट। और अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि एरिया कितना कवर करेगा। दोस्तों ये आपका एरिया कवर करेगा एक 25 किलो का बैग लगभग 70 स्क्वेयर फिट। दोस्तों 100 से 120 रुपए स्क्वेयर फिट में विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद ये आपका 70 स्क्वेयर फिट एरिया कवर करेगा। और दोस्तों ये जो सूखने में वक्त लेता है वो प्रॉपर जो टाइम लेता है 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। आप वीडियो में देख रहे हो ये हमने कल किया था और ये आज का, जो कल का है वो थोड़ा बहुत सूख चुका है, ब्लैक हो गया, जो इसमें वाइट बॉन्डिंग है वो सूख के अंदर जा चुकी है, अभी आपको नहीं दिखेगी, ये बिल्कुल आपको प्रॉपर ब्लैक दिखेगा। और जो इसमें अलग अलग कलर के स्टोन हैं डिफरेंट कलर के, वो आपको लाइट पड़ने में बिल्कुल अलग अलग ही दिखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर होता है, आप इसको फ्रंट एलिवेशन पे करवा लोगे तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।